गिरिडीह की सीट कई मायनों में हॉट सीट मानी जा रही थी, लेकिन आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को विधानसभा से सीधे लोकसभा जाने का टिकट मिल ही गया। इस सीट को जेएमएम अपना परंपरागत सीट मानकर चल रहे थे, लेकिन वोटरों ने उनके प्रत्याशी जगन्नाथ महतो को नकार ही दिया। इस जीत के बाद एक बात तो तय हो गई है कि बीजेपी और आजसू का गठबंधन आगे भी मजबूती से चलता रहेगा। चंद्र प्रकाश के विधानसभा से सीधे लोकसभा पहुंचने के साथ ही उनकी रामगढ़ की सीट भी विधानसभा के लिए हॉट सीट बन गई है। बड़ा सवाल यह है कि रामगढ़ की इस सीट पर किसकी नजर होगी। जनता का रुझान काफी था, में था। मैं सबसे पहले गिरिडीह की जनता को अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि लोगों का इतना प्यार और स्नेह मुझे मिला। नहीं, जिस प्रकार का आपको बढ़त मिला है क्या जी? बढ़त जनता का प्यार है और लोगों का जो उम्मीद है हमसे और मोदी जी के प्रति लोगों का जो विश्वास है, वह विश्वास पर हम पूरा खरा उतरने का प्रयास। क्योंकि आप पेयजल मंत्री रहे इतने दिन तक झारखंड में, अब केंद्र में जा रहे हैं, क्या लोगों के लिए क्या काम करने का अवसर यहाँ की जनता ने मुझे दिया है? मैं निश्चित तौर पर पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जनता का जो मांग है और यहाँ की जो बुनियादी समस्या, उन समस्याओं को भरसक पूरा करने का। गिनती के रुझान में चंद्र प्रकाश जी आगे चल रहे हैं। देखिए, वजह तो अब हम समीक्षा करेंगे तभी पता चलेगा वजह क्या होगा। बिना समीक्षा के पता नहीं चला। जो रुझान था मेरे पक्ष में, उस रुझान का उसका जस्ट उल्टा निकल रहा है। इसलिए अब जब तक समीक्षा नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक क्या बताएंगे।